हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज सैटरडे है। मैं हर बार सैटरडे ये सेम लाइन बोलता हूँ क्योंकि मैं सैटरडे कोई वीडियोस बनाता हूँ, बट देन आज सैटरडे है और ये पूरा वीक बहुत बिजी होने वाला है फ्रॉम शॉपिंग स्टैंड पॉइंट, क्योंकि थैंक्सगिविंग है नेक्स्ट वीक जो है, वो वीकेंड के ऊपर थर्सडे को थैंक्सगिविंग है। और ये पूरे वीक के अंदर हर जगह पे सेल लगी हुई है, हर जगह पे कुछ ना कुछ ऑफर्स लगी हुई है। सो हम लोग भी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, हम लोग शॉपिंग करते हैं। यूजुअली इस टाइम पे बहुत अच्छी तरह शॉपिंग करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा क्वालिटी और बहुत अच्छा सामान मिल जाता है एट अ वेरी रीजनेबल रेट। बट देन उससे पहले हम लोग एक जगह पे, क्योंकि लंच टाइम हो गया है, इस समय 12 बज गए हैं, लंच टाइम हो गया है, सो वी आर गोइंग टू दिस प्लेस, क्या नाम है उसका, फिर से बोलिए, अंजपर चेट्टेनाड। मैं यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पे उसका नाम डाल दूंगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस द नेम और हम लोग आज तक नहीं गए हैं इसके ऊपर, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम एज वेल। सो बहुत अच्छे रिव्यूज सुने इस रेस्टोरेंट के बारे के अंदर। एंड इस समय डोसा खाने का मन कर रहा था, तो साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा था, तो वहां पे जाके उनकी कुछ बड़ी स्पेशल थाली है। लेट्स सी वहां पे क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है। एंड टस्टिन में इट्स, हम लोग इस समय वी आर इन अरवाइन, सो यहाँ से 15 मिनट्स की ड्राइव है टोटल। एंड लेट्स गो देयर एंड सी हाउ इज इट, लेट्स गो। पीछे पीकॉक इतना सुंदर बना रखा है ना पूरी दीवार के ऊपर। तो क्या ऑर्डर करने लगे हम लोग? ये तो सभी ने अब सिस्टम चालू कर दिया है ना कि QR स्कोर स्कैन करो एंड यू विल गेट द मेन्यू ऑन योर मोबाइल। यस, एंड यू ऑर्डर इट डायरेक्टली। सो क्या ले रहे हैं हम लोग? सो वी आर टेकिंग, वी विल टेक वन मसाला रवा डोसा, एंड वी विल टेक वन दैट कॉम्बो थाली ना, क्या क्या था उसमें? देयर इज टू इडली, और दूसरे वाले में क्या है? पोंगल। पोंगल क्या होता है? पोंगल इज लाइक उपमा का टाइप का चीज। ठीक है, हाँ ये दोनों कर दे। This combo. 2 piece idli, 1 vada and 1 mini dosa. Yes. How big the mini dosa is? Smaller? Okay. Yes. Half the size of. But one plate will be enough for one person? One person, okay. Yeah. Okay. And one masala rava dosa. What do you want? One masala dosa. Yeah. Do you have mango dosa? Yes, we do. Okay, one mango dosa. Do you want to have filter coffee? No. So it's gonna be one combo of 2 PPP, 1 vada, 1 mini dosa, 1 rava masala dosa, 1 mango dosa. Yeah, okay. Thank you. तो हमने फाइनली ऑर्डर किया है, एक थाली ऑर्डर की है जिसके अंदर मेदू वड़ा है, इडली है और डोसा है, छोटा मिनी डोसा है। और एक हमने किया है फुल साइज रवा मसाला डोसा, अनियन नहीं किया ना, नहीं अनियन नहीं किया, रवा मसाला डोसा एंड वन मैंगो लस्सी, ये सब हमने ऑर्डर किया है। और ये यहाँ पे पूरा एकदम एम्बियंस जो है ना, बहुत एकदम पूरा इंडियन साउथ इंडियन ऑथेंटिक टाइप का है, बहुत अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन है। यूजुअली something that I don't like about Indian restaurants in USA is that बहुत ही गंदे और डार्क बना के रखते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत 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 कुछ कुछ एक बहुत अच्छे भी रहते हैं लेकिन कुछ एक नॉर्मली ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं एम्बियंस वाइज।
बट ये बहुत ही नीट एंड क्लीन और एकदम ही ऑथेंटिक वाइब्स आ रही हैं, एकदम काम है, बहुत सुंदर है। और ये ग्लास एकदम इंडियन स्टाइल, एकदम स्टील के ग्लास, जग पानी का। ये एकदम एम्बियंस, एकदम इतना अच्छा वो मोर वो पेंटिंग बना रखी है पीछे, इट्स सो नीट एंड क्लीन। हाँ, पीको पिलोज भी रखे हुए हैं, आई डोंट नो इसके ऊपर कोई बैठ भी सकता है कि नहीं। सो मैंगो लस्सी आ गई है एंड मैंगो लस्सी का ग्लास एकदम ही ऑथेंटिक इंडियन का ग्लास का लग रहा है, बट है प्लास्टिक का। लेट्स सी, एकदम ठीक है, रिच है लस्सी। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, आई मीन लव इट। हम लोग यूजुअली सदर्न स्पाइस जाते हैं और सदर्न स्पाइस के अंदर बहुत अच्छी मैंगो लस्सी मिलती है, बट उसके अलावा मैंने कहीं पे भी अच्छी मैंगो लस्सी नहीं पी है। एक दो जगह पे और ट्राई किया है, बट दिस इज़ इक्वली गुड और लाइक उससे थोड़ी सी बेटर ही होगी। बहुत टेस्टी, शुगर भी बहुत लेवल के अंदर है। सदर्न स्पाइस ने कई बार क्या है कि शुगर जो है वो बढ़ा देते हैं, बट इस समय शुगर एकदम बैलेंस्ड है। बहुत टेस्टी, मज़ा, वेरी नाइस। थैंक यू। ये कॉम्बो है ना, तो इसके अंदर एक मेदू वड़ा दिया है, ये तो इनकी पेटेंट रहती है, कोकोनट चटनी, टमाटर चटनी और इडली। ये इडली ना पता नहीं किस चीज़ के अंदर बनाते हैं, लाइक यूजुअली जब भी आप इडली खाते हो इंडिया के अंदर या घर पे बनाते हो तो उसकी शेप जो है वो एकदम कंसिस्टेंट रहती है। ये पता नहीं कपड़े के अंदर मैंने कहीं पे देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कैसे, देख लीजिए शेप कैसी है, बट इट इज़ सो सॉफ्ट, एकदम मस्त है। और ये मेरे को बहुत क्यूट लग रहा है यार, सांभर छोटी सी कढ़ाई, बहुत ज़्यादा क्यूट है यार। ठीक है, आप इसको टेस्ट करके देखते हैं, लेट्स सी। इसमें मिनी डोसा के अंदर आलू की स्टफिंग नहीं है, देयर इज नो स्टफिंग इनसाइड। पहले सांभर टेस्ट करके देखते हैं। एकदम ऑथेंटिक साउथ इंडियन, यू विल लव इट, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जिस पर्पज़ के लिए आए थे कि सांभर अच्छा होना चाहिए, डोसा अच्छा होना चाहिए, वो शायद यहाँ पे फुलफिल होगा। सांभर अगर अच्छा है ना तो डोसा वोसा का टेस्ट तो ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम ही होता है, डोसा की टेस्ट खराब नहीं होता। तो टेस्ट करेगी ना, तो एक टेस्ट लाइक जैसे पुणे के अंदर हम लोग वहाँ पे जाते थे ना, कौन सा एक वैशाली, तो मतलब मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो हमारा उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो ये उसको बीट कर रहा है, लाइक उसके कम्पीट कर रहा है। वेरी गुड इन टेस्ट, लेट मी सी हाउ इडली इज। उस स्पून से तोड़ने में तेरे को पता लग गया होगा कि हाउ सॉफ्ट इट इज, लाइक डिवाइन। एक तो भूख बहुत तेज लग रही थी क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रंच करने के लिए आ गए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और सांभर मतलब देखिए क्वालिटी देखने से ही पता लग रही है उसकी, टू गुड। नहीं तो यूजुअली हम लोग पिछली बार एक और रेस्टोरेंट जाने गए थे, वहाँ पे सांभर बिल्कुल ही बेकार था, मतलब कितना उसका नाम था मेदू वड़ा, इक्वली गुड लग रहा है। देख इसके अंदर वो जो प्रॉपर स्टफिंग नहीं रहती है, काली मिर्च और वो क्या कुछ डालते हैं लोग, जीरा, कोकोनट, पूरा एकदम ऑयली नहीं है। नहीं तो मेदू वड़ा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि मेदू वड़ा पूरा ऑयल के अंदर ही डिप रहता है, पूरा एकदम लाइट लग रहा है देखने के अंदर। लेट्स सी हाउ इट इज़, तनु का आ गया रवा मसाला डोसा। मेरे को लग रहा था कि ये मुझे कम पड़ेगा, बट आई थिंक दिस इज व्हाट वी कैन शेयर, है ना, बहुत बड़ा है। वो इसके साथ साथ क्या क्या दिया है, हाउस मेदू वड़ा, बहुत अच्छा है, मैं तो इसको देख के उसको भूल गया। हाँ, बट बहुत ज़्यादा यमी है, डोसा ही बहुत टेस्टी है। और इधर रवा मसाला के अंदर अलग क्या है कि इन्होंने डोसा अलग से दिया है, आलू की स्टफिंग अलग से दी है।
नहीं तो यूजुअली डोसे के अंदर भर के रखते हैं और उसमें आई लाइक दिस थिंग, पता है क्यों ऐसे अच्छा लगता है, पता है क्यों, डोसे के बीच में आलू रख देंगे इतना बड़ा डोसा रहेगा, उसकी पपड़ी पहले खाते रहो लास्ट के आलू आलू मिलेगा, तो साइड में रखो ना कि ताकि डोसे के साथ खा सको। बदना अभी थोड़ी देर में इसको ट्राई करूँगा। रवा मसाला के अंदर जैसा वो क्रिस्पीनेस उसके अंदर होनी चाहिए डोसे के अंदर वो है ना। और आलू मैंने एक्चुअली क्या किया, वो जो मिनी डोसा दिया था ना उसके साथ उन्होंने मिनी डोसा के साथ आलू नहीं दिया है, तो मैंने इस आलू को पहले टेस्ट कर लिया है, जो कि आलू केवल बॉइल्ड नहीं है, मतलब बॉइल करके नहीं कर रखा है उसको, वो कर रखा है भून रखा है, लाइक आलू जो है ना वो भुना हुआ है, जिसका अलग से ही फ्लेवर आ रहा है, मतलब अगर कोई रोटी के साथ भी खिलाते ना तब भी वो इतना टेस्टी है। आई कैन से फॉर श्योर टिल डेट US के अंदर बेस्ट ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना अगर मैंने कभी खाया है दिस इज इट, इससे अच्छा साउथ इंडियन मैंने अब तक तो नहीं खाया कहीं कभी। नैशविल में खाया है वुडलैंड्स के अंदर, बट यहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर नहीं खाया आज तक कभी, ये पहली बार खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये वाली चटनी जो रहती है ना टोमेटो चटनी, ये हर बार हर रेस्टोरेंट वाला देता है और मैं हर बार फेंक देता हूँ, हम लोग पूरा पूरा फेंक देते हैं, आज ये ख़त्म होगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनाई है, बिल्कुल बैलेंस है, वेरी टेस्टी, हाईली हाईली रिकमेंडेड, थम्स अप। सो या लंच कर लिया है और फूड वाज, जैसे मैं अंदर भी बोल रहा था, फूड वाज रियली गुड। पता नहीं क्यों मैं रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल जोर जोर से बोल बोल के, इसलिए बड़ा धीरे धीरे करके बोलते हैं कि ताकि कोई सुन ना ले, बट देन फूड वाज गुड। बहुत दिनों के बाद ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना खाया और प्राइस भी रीजनेबल है इसका कंपेरेटिवली। अगर आप किसी अच्छे डाइनिंग वाले रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर, तो दिस इज व्हाट यू पे नॉर्मली, इससे थोड़ा बहुत $5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ हमने टोटल पे किया है $36.60 इंक्लूडिंग मैंगो लस्सी एज वेल, जो कि $5 की थी, और $14 का वो मिनी थाली थी, वो $14 की थी, एंड $15 का था रवा मसाला डोसा एंड बाकी सब टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करके। बट देन डिसेंट प्लेस टू विजिट इफ यू वांट टू हैव सम ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड। डोसा बहुत अच्छा था, हाईली रिकमेंडेड, और इडली बहुत टेस्टी थी, रवा मसाला डोसा बहुत अच्छा था, और हाँ हमने उनसे एक्स्ट्रा सांभर भी मांगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। यूजुअली कई रेस्टोरेंट्स के अंदर दे चार्ज इट, कई रेस्टोरेंट्स के अंदर दे गिव इट, बट दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड एक लॉ बन जाना चाहिए कि दो चीज़ें जो हैं वो अनलिमिटेड मिलनी चाहिए हमेशा, दैट इज डोसे के साथ सांभर और गोलगप्पे के साथ गोलगप्पे का पानी, लाइक वो अनलिमिटेड होना चाहिए, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होना चाहिए, बट हाँ लकीली इन्होंने नहीं चार्ज किया। और नाइस प्लेस, टस्टन के अंदर है, इफ़ यू आर हेयर डू विजिट दिस प्लेस टू हैव सम ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड। That's it for this video. Hope you have enjoyed it, and we'll see you in our next video. Till then, take care. Boy, boy. Boy, boy.